नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इसरो अगले साल यानी कि 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। उम्मीद है मार्च के महीने में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो सकती है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर थोड़ा अलग होगा। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन लगे थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में सिर्फ 4 इंजन ही लगे होंगे। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। विक्रम लैंडर के चारों कोनों पर एक एक इंजन था, जबकि एक बड़ा इंजन बीच में था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के साथ जो लैंडर जाएगा उसमें से बीच वाला इंजन हटा दिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि लैंडर का भार कम होगा। आपको बता दें कि लैंडिंग के समय ही चंद्रयान 2 को धूल से बचाने के लिए 5वां इंजन लगाया गया था, ताकि उसके प्रेशर से धूल के कण हट जाएं। लेकिन इस बार इसरो इस बात को लेकर पुख्ता है कि धूल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसरो इसलिए 5वां इंजन हटा रहा है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे लैंडर का वजन और कीमत बढ़ती है। इसरो के साइंटिस्ट ने लैंडर के पैरों में भी बदलाव करने की सिफारिश की है। अब देखना यह है कि वो किस तरह के बदलाव होंगे। इसके अलावा लैंडर में LDV यानी कि लैंडर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाया गया है, ताकि लैंडिंग के समय लैंडर की गति की सटीक जानकारी मिले और चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर जैसी घटना ना हो। आपको बता दें कि चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतर कर काम कर सके, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। इसरो के सूत्रों ने बताया है कि छल्लाकेरे इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी किया है। हमें उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक हमें वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जाँच कर सकें। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा, की वजह से हमें लैंडर की कार्यक्षमता का पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।